फ्रेंड्स, दिस इज विकास तोमर। कल हमने RL सर्किट और RC सर्किट पढ़ लिया है, तो आज हम सीरीज RLC सर्किट पढ़ते हैं। तो एक रेजिस्टेंस R, इसके सीरीज में एक इंडक्टर L और एक कैपेसिटर C जोड़ेंगे और AC सप्लाई लगाते हैं V वोल्ट की। जैसा कि सीरीज सर्किट है तो करंट तो सेम रहेगा ही I। हमने माना कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज हमारा VR है, इंडक्टर में वोल्टेज VL है और कैपेसिटर में वोल्टेज VC है। अब यदि हम इनका इंडिविजुअल फेजर डायग्राम देखें, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का, तो रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। तो माना ये हमारा करंट है, इसका वोल्टेज VR सेम फेज में होगा। इंडक्टेंस में हमें पता है वोल्टेज करंट से 90° लीड करता है। करंट I है रेफरेंस एक्सिस पे, तो जो वोल्टेज है इंडक्टेंस का वो इससे 90° लीडिंग फेज में होगा ऊपर की तरफ VL। ऐसी अगर कैपेसिटेंस की बात करते हैं, कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से। अगर करंट हमारा हमने यहाँ रेफरेंस एक्सिस पे माना है तो वोल्टेज 90° पीछे होगा VC। सो दिस इज द इंडिविजुअल फेजर डायग्राम इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस। अब यदि हमें तीनों को मर्ज करना है, कंबाइंड फेजर डायग्राम देखना है सीरीज RLC सर्किट का, तो हमने रेफरेंस एक्सिस पे करंट को मान लिया है I, रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम फेज में होगा VR, इंडक्टेंस का वोल्टेज लीड करेगा करंट से VL और VC होगा हमारा नीचे जो कि करंट से लैग करेगा VC। ओके, अब इसमें दो केस होते हैं हमारे। केस नंबर वन की बात करते हैं, अगर हम केस फर्स्ट बात करते हैं तो उसमें यदि मैं कहता हूँ आपका कि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL यदि ज़्यादा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC से, तो उस केस में हमारा वोल्टेज जो होगा इंडक्टर के अक्रॉस VL वो बड़ा होगा VC से। तो यदि हम फेजर डायग्राम देखें, इस केस के लिए फेजर डायग्राम मैं देखूँ, ये तो हमारा जनरल फेजर डायग्राम हो गया, तो मैं इस केस के लिए फर्स्ट केस के लिए फेजर डायग्राम बनाता हूँ। तो ये माना करंट हो गया हमारा VR सेम फेज में होगा, तो इस केस में मुझे VL की वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा दिखाना पड़ेगा VC से। ये VL है, VC हमारा नीचे है, माना VC थोड़ा कम है। ओके, तो केस नंबर वन, इसको आगे देखेंगे अभी हम। तो ये फर्स्ट केस का फेजर डायग्राम हो गया, तो हमें दिख रहा है कि VL की वैल्यू VC से ज़्यादा है और सेम लाइन में है, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, VL और VC का रिजल्टेंट जो होगा वो ऊपर होगा और वो होगा हमारा VL माइनस VC, क्योंकि VL ज़्यादा है VC कम है। हम ऐसा मान सकते हैं कि एक फोर्स ऊपर को लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा सेम ही लाइन में। अब बेसिकली हम ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमें एक्चुअली जो आपका सप्लाई वोल्टेज है V, उसको इन टर्म्स ऑफ VR, VL और VC की टर्म्स में देखना है, क्योंकि आपका सप्लाई वोल्टेज V ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस में। सो एक्चुअली द फेजर सम ऑफ VR, VL एंड VC इज इक्वल टू टोटल सप्लाई वोल्टेज। तो हम फेजर सम निकाल रहे हैं, तो अगर मुझे VR का और VL माइनस VC का फेजर सम निकालना है तो सिंपल वो ये VR के पैरेलल लाइन में यहाँ से खींचूंगा और VL माइनस VC के पैरेलल लाइन में यहाँ से खींचूंगा, जहाँ ये दोनों कट करेंगे ये आपका टोटल सप्लाई वोल्टेज V आ गया। और इस केस में ये हो गया हमारा फेज एंगल V और I के केस में। और यदि हम यहाँ पे देखते हैं, हमने फर्स्ट केस में XL को XC से ज़्यादा लिया है, मींस इंडक्टिव इफेक्ट कैपेसिटिव इफेक्ट से ज़्यादा है, तो आपका जो टोटल वोल्टेज है, टोटल सप्लाई वोल्टेज फर्स्ट वाले केस के लिए, वो सप्लाई करंट से लीड कर रहा है। तो इस केस में हमारा जो सर्किट है वो एक इंडक्टिव सर्किट की तरह काम करेगा। और मैं अगर पावर फैक्टर बोलूं, PF जो होगा इस केस में वो लैगिंग पीएफ क्यों होगा, क्योंकि हमारी करंट जो है वोल्टेज से लैग कर रही है। यदि करंट वोल्टेज से लैग करती है तो पावर फैक्टर हमारा लैगिंग होता है, यदि करंट वोल्टेज से लीड करती है तो पावर फैक्टर लीडिंग होता है। इस केस में हमारा करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है, दैट्स व्हाई द पावर फैक्टर इज लैगिंग। तो आगे प्रूफ करते हैं, अगर हमें इंपीडेंस का प्रूफ निकालना है इसमें, तो मैं ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ये आप देख रहे होंगे इस ट्रायंगल को, अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग से लिखता हूँ, अलग से ड्रॉ करता हूँ,
फर्स्ट केस के लिए कर रहे हैं हम फिलहाल। ये हमारा वी आर है, ये जो हाइट है इस हाइट को देखें, ये हाइट, ये सेम हाइट ये वाली वी एल माइनस वी सी है, ये हमारा वी है एंगल फाई है। तो पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ये हो गया केस, इसको इक्वेशन नंबर वन डाल दो। हमें पता है टोटल सप्लाई वोल्टेज वो होता है टोटल करंट इंटू टोटल इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, ऐसे ही वी आर इक्वल्स टू होता है टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस, वी एल इक्वल्स टू होता है हमारा टोटल करंट इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, वी सी इक्वल टू होता है टोटल करंट इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी। ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं, अगर हम पुट इन इक्वेशन नंबर वन तो हमारे जो इक्वेशन चेंज होती है वो इस तरीके से वी की जगह हम आई इंटू जेड पुट करते हैं, वी की जगह आई इंटू जेड, यहाँ से आई इंटू जेड अंडर रूट वी आर की जगह मैं आई इंटू आर पुट करता हूँ इसका स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स एल वी एल की जगह माइनस आई इंटू एक्स सी इसका टोटल का स्क्वायर। यहाँ आई स्क्वायर है, यहाँ भी आई स्क्वायर होगा, चलो इसे कर लेते हैं अलग से। ये हो गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ से मैं आई स्क्वायर कॉमन लेता हूँ आई स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। आई स्क्वायर आई स्क्वायर दोनों में आई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आई स्क्वायर जब अंडर रूट के बाहर निकल के आएगा तो वो आएगा आई, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, आई से आई कैंसिल हो गया। तो यहाँ से इम्पीडेंस निकल के आ गया हमारा जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। सो दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ द सीरीज आरएलसी सर्किट इन केस ऑफ फर्स्ट केस व्हेन एक्सएल इज कंसिडर्ड टू बी मोर देन एक्ससी, एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से ज़्यादा रखी है तो उस केस में हमारा जो इम्पीडेंस निकल के आएगा वो आएगा जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। और जो पावर फैक्टर रहेगा फर्स्ट केस में वो लीडिंग पावर लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा और फेजर डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। फिलहाल सेकंड केस देखते हैं इसका हम, सेकंड केस के लिए फेजर, ये फर्स्ट केस के लिए फेजर डायग्राम है, सेकंड केस के लिए अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं, सेकंड केस के लिए अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमने माना है सेकंड केस में कि लेट, सेकंड केस के लिए मान लेते हैं कि XC इज मोर देन XL, अगर XC ज़्यादा है XL से तो ऑब्वियसली VC ज़्यादा होगा VL से। तो अगर मैं पावर मैं फेजर डायग्राम बनाऊँ इसका, यहाँ तो VR होगा ही, VC थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा हमें, VC हमने बड़ा ले लिया है तो VL थोड़ा छोटा ले लिया हमने, VC और VL सेम लाइन में है और अपोजिट हैं दूसरे के तो इनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ होगा VC माइनस VL, VC माइनस VL और VR इनका फेजर सम अगर हम देखें, ये फेजर सम आएगा टोटल वोल्टेज V एंगल फाई। तो इस केस में जो फेजर डायग्राम बना है हमारा उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो ये कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा ये, कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव इफेक्ट डोमिनेंट कर रहा है यहाँ पे, कैपेसिटिव इफेक्ट डोमिनेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा माना है। ओके, तो भाई इसमें पावर फैक्टर जो होगा पीएफ वो कैसा होगा, करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है तो लीडिंग पीएफ होगा, पावर फैक्टर लीडिंग होगा। सेम यदि हम इस केस में भी इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल को मैं अलग करता हूँ, ये हमारा वी सी माइनस वी एल, ये वी है, ये वी आर है, ये फाई है, इसमें यदि मैं पाइथागोरस लगाता हूँ वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर, वी इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, और वही वी आर इक्वल टू आई इंटू आर पुट करता हूँ, वी सी इक्वल टू आई इंटू एक्स सी पुट करता हूँ, वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्स एल पुट करता हूँ, और वी इक्वल टू आई इंटू जेड पुट करता हूँ आई इंटू जेड। तो ये भी सेम केस निकल के आएगा हमारा, आई कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम बाहर निकालेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। तो सेकेंड केस में इम्पीडेंस की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर ही आएगी। सो दिस इज द इम्पीडेंस इन केस ऑफ
inductive, capacitive reactance is dominant. So it is all about your RLC circuit. RLC circuit में numericals आते हैं, तो इस तरीके से solve कर सकते हो आप लोग. और इसमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वही फार्मूला है सिंपल, V इक्वल टू आई जेड से आप I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं V अपॉन जेड करके. इम्पीडेंस के लिए ये फार्मूला लगा सकते हैं आप, ये फार्मूला या जो पीछे हमने प्रूफ किया है इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हमें पावर फैक्टर पूछ रहा है क्वेश्चन में पावर फैक्टर का, वो सिंपल फार्मूला पी एफ निकालना है तो आर बाई जेड से पावर फैक्टर फाइंड कर सकते हैं. पावर पूछ रहा है भाई अगर, तो पावर का फार्मूला पी इक्वल टू वी इंटू आई कॉस वाई, वोल्टेज करंट कॉस वाई. वी हमें क्वेश्चन में दिया होता है, जो भी 230 वोल्ट दिया हो सकता है आरएमएस वैल्यू. आई आप निकाल सकते हैं वी अपॉन जेड से, और पावर फैक्टर आर बाई जेड से. यहाँ से हम पावर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक्टिव पावर. रिएक्टिव पावर के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्यू इक्वल टू वी आई साइन फाई. अगर ये एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में पूछेगा तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आरएल आरसी और आरएलसी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, पेपर में चांस होते हैं आने के. ओके, थैंक्स.